सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय तीन। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय तीन। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु पाया नहीं। मैंने कहा, मैं उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु पाया नहीं। जो पहरुए नगर में घूमते हैं वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और जब तक उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जन्नी की कोठरी में न ले आए तब तक उसको जाने न दिया। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरनियों की शपथ धराकर कहती हूं कि जब तक प्रेमी आपसे न उठे तब तक उसको न उसकाओ और न जगाओ। यह क्या है? जो धुएं के खंभों के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी के सब भांति की पुकनी लगाए हुए जंगल से निकल आता है। देखो, यह सुलेमान की पालकी है। उसके चारों ओर 60 वीर चल रहे हैं, जो इसराइल के शूरवीरों में से है। वे सब के सब तलवार बांधे और युद्ध विद्या के जानने वाले हैं। प्रत्येक पुरुष रात के डर के मारे जांघ पर तलवार लटकाए हुए रहता है। सुलेमान राजा ने एक बड़ी पालकी लबानोन के काठ की बनवा ली है। उसने उसके खंभे चांदी के, उसका सिरहाना सोने का और गद्दी अर्गवानी रंग की बनवाई है और उसके बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से प्रेम से जड़ा गया है। हे सियोन की पुत्रियों, निकलकर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। देखो, वह वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा।